सकते हैं सामने यहाँ पे बहुत पानी का लहर दौड़ रहा है, हम लोग इस पानी को पार नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम सुनसान है, देख सकते हैं मेरा टीम है पूरा यहाँ पे जंगल में, घरी जंगल में फंस चुके हैं। अब यहाँ निकलने का रास्ता हम लोग निकल है, हर जगह खाली पेड़ ही पेड़ देखने को मिल रहा है। हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई आदमी इंसान नहीं है। और यहाँ पे सुबह का समय हो रहा है, वही 6:30 बज रहा है, और इतना सवेरे हम लोग निकले थे लेकिन रास्ता भटकने के कारण यहाँ पर फंस चुके हैं। निकलने का कोई रास्ता हम लोग को नहीं दिख रहा है। कम से कम वहाँ यहाँ से गए एक पेड़ था वहाँ पर 3 किलोमीटर दूर, वहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ आया, फिर भी रास्ता हम लोग को नहीं मिला है। अब वही रास्ता को मैं ढूंढ रहा हूँ, अब देखते हैं रास्ता मुझे मिल पाता है कि नहीं। चलिए अब जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं हम लोग इस घरी जंगल से कैसे निकले। देखते हैं आगे आगे एक बॉडी गार्ड घूम रहे हैं, इनको रास्ता सब पता है ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, लेकिन देखते हैं हमें इस जंगल से निकाल पाते हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह धुंध ही धुंध देखने को मिल रहा है, कोई यहाँ पे चारा नहीं दिख रहा है। हाँ, चारों तरफ ओस है, आप कैमरा में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, हमारा स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुका है। काफ़ी घंटों से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, लगभग 2-3 घंटा हो चुका है। अब देखते हैं मेरा जो छोटा सा बॉडी गार्ड टाइप का जो दिख रहा है वो हमें इस रास्ते से निकाल पाते हैं कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे पेड़ की संख्या कम है लेकिन फिर भी रास्ते में रास्ता हम इधर देखिए चारों तरफ ओस ही ओस है। देखिए हमारे एक साथी हैं, हमारे साथ आए हुए और मेरे बॉडी गार्ड को दिखाइए कृपया, आगे जा रहे हैं सीधे रास्ता ढूंढते हुए, हम लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और हमारे पीछे एक बंदूवर है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। हाँ, हेलो कीजिए ना। हाँ देखिए, आप जैसा देख सकते हैं कैमरा में, हम लोग एक नदी को पार कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं, पानी दिखाइए आपको। हाँ देखिए, वहाँ पे है समुन्दर, छोटा समुन्दर, छोटा नाली वाला समुन्दर ना, नहीं नदी वाला। हाँ आगे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, बहुत बड़ा जंगल है ये, बड़ा मुश्किल से फंस गए भगवान। रास्ता देख के चल रहे हैं हम लोग, चलो अच्छे से चलो रे। वो तो गिदर काट लेगा। हाँ काट लेगा अच्छे से, समझा ना, काट लेगा अच्छे से। हाँ अच्छा से काटेगा, गुद्दा उद्दा सब खा जाएगा, समझा ना। समझ रहा है ना। मेरे बॉडीगार्ड अनमोल कुमार आगे से निकल चुके हैं अपने पैंट को घुटने पर रख के, और मोजा का सबसे हाल बुरा। थक गया तुम सब? नहीं नहीं थक गए हैं, भूख लगा हुआ है। भूख लगा हुआ है, इतना सवेरे भूख लग गया है, इसलिए भूख लगा है, इतना सवेरे भूख लग गया। रात के 10 बजे है, 10 बज रहा है, 6:30 बज रहा है, तुमको 10 दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आता क्या समय? 2 बजे रात का है तो भूख नहीं लगेगा, उसी पर से चल रहे हैं। हाँ आप लोग को बता चुके हैं जैसे हम लोग कितना किलोमीटर चले हैं, इसके वजह से हमारे साथी लोग का पैर दुख चुका है। अब देखिए हम रास्ता की खोज में निकले हैं, अब काफ़ी देर भटकने के बाद अब आगे हम निकल रहे हैं, देखते हैं रास्ता हमको मिल पाता है कि नहीं। देखिए अभी कितना दूर हमें चलना है, कितना दूर यहाँ पर चलना है, आप देख सकते हैं कैमरा में काफ़ी दूर है, कुछ दूर दूर तक रास्ता की नज़र नहीं आ रहा है, एकदम अंधेरा सा छाया। शॉर्टकट रास्ता का आइडिया कौन दिया रे? कौन दिया है शॉर्टकट का? हम दिए हैं भाई, यहाँ रास्ता ही नहीं है यार। क्या है भाई? तेरी के हालत खराब हो गया। रास्ता मिला?
रास्ता मिला? मिला कि नहीं रास्ता? अभी तक रास्ता नहीं मिल पा रहा, किस में जाना होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा पैर मेरा भींग चुका है पूरा। ओस भींग गया, हालत खराब हो गया। कितना दिन में पहुंचेंगे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, रास्ता पहले मिल जाए उसके बाद ही ना पता चलेगा कब पहुंचेंगे। लोगों का पैंट भीग गया है। हाँ, पैंट शॉर्ट सब उससे भींग गया है, स्वेटर होता है ना वही भींग चुका है। देखिए अभी तक वो लोग चल ही रहे हैं, रास्ता ही देख रहे हैं कि रस रास्ता है। देखिए छोटा बॉडी गार्ड, रास्ता मिला? पीछे भी एक बंदूक वाला है। अब देखिए, अब खुद कन्फ्यूज हो गए, हमारे बॉडी गार्ड खुद कन्फ्यूज हो गए किधर से चल रहा है। अब देखिए देखे हुए हैं, अब निकलना तो पड़ेगा ही, अब देखेंगे। इससे इस वीडियो से आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगा, कभी मुश्किल समय में या कभी सुनसान जगह में अगर आप फंस जाते हैं तो उस स्थिति से कैसे बाहर आए। हिम्मत रखना चाहिए और विश्वास एक जरूर रखना चाहिए ताकि आप उस मुश्किल समय और स्थिति से बाहर निकल सकें। इससे यह वीडियो आपको जरूर यह बात सिखा देगा कि हम लोग कितना मुश्किल सामना कर रहे हैं। आपको शायद इस चीज़ का अनुभव नहीं हो पा रहा होगा लेकिन मैं बोलकर जरूर आपको बताना चाहूँगा, आपको इस बात का आभास हो जाए हमारा वीडियो से। जहाँ रास्ता ब्लॉक ब्लॉक हो रहा है यार, देखिए पता नहीं किस कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले जा रहा है, हालत खराब है। की बात है, रास्ता मुझे मिल चुका है। देखिए रास्ता मिल गया है, अभी हमें 3 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है कि उस भरी जंगल से सुनसान जगह से हम लोग बाहर आ चुके हैं। एक रास्ता जो जाता है हमको, जहां तक हमको जाना है वहां तक रास्ता जाता है, हमें मिल चुका है। अब उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें जगह पर अपना पहुँचा देगा या पहुँच जाएंगे उस जगह पर हम जहाँ जाना चाहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो लाखों मतलब बहुत मेहनत के बाद, बहुत कठिनाई परेशानी के बाद हम लोग रास्ते को समझ सके हैं, पहचान पाए हैं, देख लिए हैं, इसलिए हम उस रास्ते पर आ चुके हैं। हमारे जो बॉडीगार्ड जो आगे हैं वही, उन्होंने ही इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने ही इस रास्ते का खोज किया है और बताया है इस रास्ते पर हम लोग को। आप देख सकते हम लोग बहुत खुशी हैं इस बात के लिए। देखिए कि यहाँ पर बहुत थके हैं, देखिए पूरा भींग गया है, पैंट ऊपर मैंने किया है, पूरा भींग गया है। अच्छा 1 किलोमीटर लगेगा, यानी कि 2 किलोमीटर घट गया, चलिए बहुत खुशी हो रहा है। 3 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर अब चलना है, यानी कि 2 किलोमीटर और घट गया हमारे लिए। चलिए ये हमारे लिए बहुत और खुशी की बात है। हमारे जो छोटे बॉडी गार्ड थे उसने खुशखबरी दी है, उन्होंने ही बताया। हाँ देखिए उनका आवाज़ आपको सुन पा रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो। तो देखा आपने हम लोगों ने कितना मुश्किल का सामना कर रास्ते को पहचाना, देखा उस रास्ते पे 3 किलोमीटर दूरी था। हाँ बहुत थक गए हैं, अब 1 किलोमीटर और चलना है, हम लोग पहुँच जाएंगे। तो एक खुशी की बात है, हमारे एगो मित्र यहाँ पर भी हैं, जा रहे हैं। तो आप लोग मैं आगे का रास्ता देख रहा हूँ, कृपया। हाँ समझ गए।
यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा रास्ता जाता है, तो हमारे मित्र ने बोला कि नहीं इधर से नहीं जाने के लिए, उधर से नहीं जाने के लिए, इधर से जाने के लिए, इधर से, तो इधर से जाने के लिए बोला गया है। तो जैसा कि देख सकते हैं कैमरा में, यहाँ से एक छोटी रास्ता निकलती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप शायद नहीं दिख रहा होगा, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ से एक छोटा रास्ता जो जाता है, तो यहाँ से हमारे मित्र बोले हैं यहाँ से चलने के लिए, यहाँ से बड़ा रास्ता जाता है, लेकिन बोले कि ये रास्ता हमारे लिए नज़दीक पड़ेगा, इसलिए हम लोग इधर से जा रहे हैं। इधर एक पेड़ है, आपको दिखेगा कैमरा में, हाँ वो पेड़ है, हम लोग इसी रास्ता से होकर जा रहे हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं इस रास्ता से चल रहे हैं, उस छोटे बॉडी गार्ड में घुमा फिर आकर फिर हम लोग को वहीं पर ले आया जहाँ पर नदी से हम लोग लौट चुके थे। फिर घूम फिर हम लोग वहीं पर फिर आ चुके हैं। अब यहाँ से फिर से हमको मेहनत करना पड़ेगा, फिर से देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। चलिए अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है। देखिए हम लोग फिर वहीं पर लौट के आ चुके हैं, वहीं नदी में आ चुके हैं। देखिए बहुत परेशानी हो रहा है, अभी तक हम लोग फिर से निकले नहीं रास्ते पर, रास्ते पर आ चुके थे फिर से गुम हो चुके हैं, फिर से भुला चुके हैं रास्ता को। अब देखिए यहाँ से हम निकलते, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रास्ता से जो भ्रमित हो गए थे, रास्ता जो खो गए थे। तो उस रास्ते से मैं निकल कर, उस पोखरा वाले जगह से निकल कर हम सही रास्ता पकड़ कर हम जगह पर पहुँच चुके हैं। बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी समय से फंसे हुए थे, पैर वहाँ हमारा दुख चुका है, 2 किलोमीटर दूर वहाँ से पैदल चल कर आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, कुछ ही समय में हम घर पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। चलिए होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।